वर्ष 2023 में भी खून से लाल रंगी रही रीवा की सड़कें। 11 महीनों के अंतराल में 3605 घायल पहुंचाए गए अस्पताल। हुजूर का रिकॉर्ड सबसे खराब, 11 महीनों में 901 गंभीर हालत में भर्ती कराए गए हैं। औसतन हर दिन 10 लोग एक्सीडेंट में हुए घायल, कईयों ने मौके पर ही दम तोड़ दिए। बता दें कि वर्ष 2023 में रीवा की सड़कें खून से लाल रहीं। सड़कें बनी तो एक्सीडेंट भी खूब हुए। रिकॉर्ड तोड़ 11 महीनों में 3605 घायलों को सिर्फ 108 एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। इसके अलावा निजी वाहनों से पहुंचाने वालों की संख्या अलग है, जबकि 100 डायल्स की अलग है। ज़िले का हर दिन 10 सड़क हादसे में घायल होकर एम्बुलेंस से पहुंच रहे हैं। आंकड़ों पर गौर करें तो हुजूर की सड़कें सबसे ज़्यादा खतरनाक हैं। ज्ञात हो कि रीवा की अधिकांश सड़कें अब चौड़ी हो चुकी हैं। ज़्यादातर सड़कों को NHAI ने ले लिया है। सड़कों के बनने के साथ ही अब खतरा भी बढ़ गया है। वहीं संजय गांधी अस्पताल में अब बीमारियों से कम और एक्सीडेंट से मरने वालों की भी संख्या ज़्यादा है। PM के लिए अब औसतन हर दिन 5 से 6 मामले एक्सीडेंट से मरने वालों के पहुंच रहे हैं। इससे स्थिति का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एक्सीडेंट में भी असुरक्षित वाहन चलाने से ज़्यादा जान का खतरा है। हादसे में मौत का प्रमुख कारण हेड इंजुरी है। रीवा जिले में कुल 11 महीने में 2023 में कितने कुल एक्सीडेंट हुए और कितने मरीजों को लाकर अस्पताल में भर्ती कराया गया, सोचिए। पिछले 11 महीने में जैसे कि रीवा जिले में कुल 3605 घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है, जिसमें रीवा जिला और नवगठित मऊगंज जो ज़िला है उसमें 8 विधानसभाएं हैं कुल क्षेत्र, जिसमें हुजूर और हनुमाना जो अपना है वहां से सर्वाधिक एक्सीडेंट के मामले सामने आए हैं, जिसमें आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 900 एक्सीडेंट मरीज हुजूर से और हनुमाना से कुल 578 गंभीर घायल मरीजों को अस्पताल पहुंचाया गया है। यह 11 महीनों का आंकड़ा है जो कि हमारी 108 एम्बुलेंस से मध्य प्रदेश शासन द्वारा निःशुल्क चलाई जा रही है। उसमें हम और मैं और मेरे 108 के कर्मचारी जिले में तत्परता से लगे हुए हैं और ईमानदारी के साथ उस पर काम कर रहे हैं।